हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ कॉर्न क्रिस्पी। उसके लिए मैंने एक कटोरा कॉर्न लिया है बॉयल करके, फिर एक चम्मच मरीच लिया है और चाट मसाला लिया है ऊपर से छिड़कने के लिए, और रेड मिर्ची लिया है आधा स्पून और धनिया भी लिया है गार्निश के लिए। फिर अभी मैं बनाते हैं, दिखाते हैं आपको। आधा कटोरी मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें डालेंगे अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। आधा स्पून मरीच डालेंगे हम इसमें, रेड मिर्ची डालेंगे आधा स्पून, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर इसका मैं घोल बनाऊंगी पतला, थोड़ा से, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ही रहना चाहिए गोल, इतना थिक बनाएंगे। फिर उसको कोन में जो है चिपके अच्छे से, फिर उसको फ्राई करेंगे। इसमें मैं कोन डालूंगी, चलिए अब बनाते हैं इसको। मेरी कढ़ाई भी गर्म, मिर्च का तेल भी। इसको आप ढक के भी बना सकते हैं, थोड़ा तो बहुत उड़ता है कौन, थोड़ा अभी आँख पे चला जाता है तेल उड़ के कभी कहीं, थोड़ा ढक के भी बना सकते हैं इसको। मैं ऐसे थोड़ा होती हूँ, मेरा कोन हो चुका है। इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में, टिश्यू पेपर पे जो ऑयल रहेगा तो इसमें लग जाएगा। इसमें भी मैं थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला डालूंगी, थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इस पर मैं थोड़ा धनिया का गार्निश करूँगी। अब मेरा हो गया कॉर्न क्रिस्पी रेडी। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ भी खा सकते हैं, और खाइए और बनाइए, देखिए कैसा लगता है हमारा छोटा सा स्नैक्स, शाम के टी टाइम का स्नैक्स है वो। अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना ज़रूर। बाय बाय।